जब हमारा बच्चा रोता है हम सारे काम छोड़कर फटाफट अपने बच्चे के पास आ जाते हैं, उसे चुप कराने लग जाते हैं, उसे घुमाने लग जाते हैं, उसे फीड कराने लग जाते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये रीज़न जानना कि आपका बच्चा रो क्यों रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चे क्यों रोते हैं। देखिए, बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, आपको कहकर आपको बोलकर नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए वो रोकर ये एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है उनके लिए। तो वो रोकर आपको समझाना चाह रहे हैं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, कोई चीज़ उन्हें परेशान कर रही है एंड वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। सो हम लोग ये रीज़न जानने के बजाय कि बच्चा क्यों रो रहा है, हम बच्चे को बस फटाफट फीड करा देते हैं या बच्चे को घुमाने लग जाते हैं, जो कि सॉल्यूशन नहीं है। सो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज आपके साथ 13 ऐसे रीजंस शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कई बार हम इन रीजंस को बिल्कुल इग्नोर कर देते कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो वही सारे रीजंस मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है आपके बच्चे के रोने का, भूख। यानी कि आपका बच्चा भूखा है, उसे बहुत तेज़ भूख लगी है, इसीलिए वो रो रहा है। 95% बच्चे इसीलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे ने अभी आधे घंटे पहले फीड किया था, अभी एक घंटे पहले फीड किया था, तो बच्चे को भूख लग नहीं सकती। इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, बट ज़्यादातर बच्चे रोते हैं भूख की वजह से। किसी ने आपको कहा है कि भाई 2 आवर्स के गैप में आपको बच्चे को दूध पिलाना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, दूध पीते पीते सो जाता है, फिर उसको एकदम से याद आता है कि अरे मैं तो दूध पी रहा था। तो वो बहुत ही नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से आप भी मेज़र नहीं कर पाएंगे कि आपके बेबी ने कितना दूध पिया है या उसका पेट फुल है या नहीं है। एंड थोड़ी थोड़ी देर में ही वो पॉटी सुसु करते रहते हैं तो बच्चे का पेट खाली हो जाता है, छोटा सा पेट होता है और फटाफट वो खाली हो जाता है। तो ये रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे को भूख लगी है। तो सेकंड रीज़न है बच्चे को गैस बन रही है। गैस बनना बिल्कुल नॉर्मल है, इस चीज़ को भी हम इग्नोर कर देते कि इतने छोटे बच्चे को गैस कैसे बन सकती है। छोटे बच्चों को गैस बन सकती है क्योंकि बच्चा ज़्यादातर लेटा रहता है, ज़्यादातर दूध ही पीता है। कुछ लोग ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं तो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे को गैस बन सकती है। तो गैस के बनने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से गैस बनती है और बहुत सारे टिप्स भी हैं जो मैं आपके साथ डेफिनेटली एक प्रॉपर वीडियो में शेयर करूँगी। बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हर फीड के बाद बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं। बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चे के पेट में जो फीड करते टाइम गैस हवा चली गई है वो बच्चे को गैस ही बनाएगी। और छोटा सा बच्चा है, कई बार पास कर पाता है, कई बार पास नहीं कर पाता, इस वजह से बच्चे के पेट में काफ़ी दर्द फील होता है उसको, तो इसीलिए बच्चा गैस की वजह से भी रोता है। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो डेफिनेटली मैं इसी वीक लेकर आऊँगी। थर्ड रीज़न हो सकता है बच्चे का डाइपर। डाइपर भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसको मैंने बहुत बार स्टार्टिंग में इग्नोर किया। कई बार डाइपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बच्चे को इरिटेशन फील हो रही है, बच्चा रोकर कम्युनिकेट करना चाहता है कि भाई मेरा डाइपर बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, मुझे इरिटेशन फील हो रही है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा है, बस रोता जा रहा है। सेकेंड रीज़न हो सकता है बच्चे ने पॉटी कर दी हो। तो अगर बच्चे ने पॉटी भी कर दी है डायपर में, तब भी बच्चा डिस्कम्फर्ट में ही रहेगा और वो रोता ही रहेगा। थर्ड हो सकता है बच्चे को डायपर में अनकम्फर्टेबल लग रहा हो, गर्मी लग रही हो। ये चीज़ जो थर्ड रीज़न है, ये अनिका के केस में मैंने बहुत बार फील किया है। अनिका स्पेशली गर्मियों में बड़ी परेशान होती थी डायपर्स में, तो डायपर को हमें कई बार बिल्कुल रिमूव करके उसको सुलाना पड़ता था। तो इसीलिए डायपर पर भी आप पूरी नज़र रखिए, डायपर की वजह से भी बच्चा आपका रो सकता है।
अगला रीजन हो सकता है बच्चे का टायर्ड फील होना। छोटा सा बच्चा है, पूरा टाइम वो अपनी बैक पर ही लेटा रहता है या थोड़ी बहुत मूवमेंट करता है तो बच्चे के हाथों में, बच्चों के पैरों में काफ़ी दर्द होता है, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कोशिश कीजिए दिन में 2 बार बच्चे की अच्छे से मसाज कीजिए, जिससे बच्चे को इस चीज़ से रिलीफ मिलेगा। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, तो जैसे ही वो क्रॉलिंग करते हैं या चलना सीख जाते हैं तो बहुत ही उनको मूव करना है, हर चीज़ उन्हें देखनी है, तो इस वजह से भी बच्चों के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मसाज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मसाज प्रॉपरली कीजिए बच्चे की, आराम से उसके हाथ पैरों को दबाइए। अगला रीज़न है बच्चे को कपड़ों में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर देता है। कई बार बहुत तेज़ आपने एसी चला रखा है और ध्यान नहीं गया बच्चे पर, तो बच्चे को ठंड लग सकती है, तब वो रोना स्टार्ट कर देगा। या आपने बच्चे को ओवर क्लोदिंग पहना दिए, ज़्यादा कपड़े पहना दिए, इस वजह से भी बच्चा रो सकता है, उसे गर्मी फील हो रही है। तो काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं, या बच्चे को जो भी आपने कपड़ा पहना रखा है वो ईचिंग हो रही है या थोड़ा सा यू नो डिस्कम्फर्ट में है, तो हमेशा फर्स्ट लेयर कॉटन की पहनाइए और टेम्परेचर देखते रहिए आसपास कि आपको गर्मी तो नहीं लग रही। अगर आपको गर्मी लग रही है तो हो सकता है बेबी को भी गर्मी लग रही हो, थोड़ा सा इस चीज़ पर भी आप ध्यान दीजिए। अगला रीज़न है बच्चे का रोने का ब्रीदिंग प्रॉब्लम। हो सकता है आपके बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, कई बार बच्चे की नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, बच्चे को कोल्ड हो रहा है और बच्चा प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा है और वो रो रहा है, वो सोना चाहता है बट उसे नींद नहीं आ रही है या वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा है, तो इस वजह से भी आपका बच्चा रो सकता है। ड्रीम्स, जी हाँ, छोटे बच्चों को जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, छोटे बच्चों को भी ड्रीम्स आने लग जाते हैं, तो छोटे बच्चों को ड्रीम्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद आना स्टार्ट होते हैं बट ड्रीम्स भी आने लग जाते हैं, और ड्रीम्स आने की वजह से भी बच्चा घबरा जाता है एंड वो रोने लग जाता है। या हमारे बड़े भी मानते हैं कि बच्चे को माता ने रुला दिया या भगवान ने रुला दिया, तो इस वजह से भी बच्चा घबरा के रोने लग जाता है, तो ये रीज़न भी हो सकता है। अगला रीज़न है बच्चे का रोने का, बच्चा बोर हो गया है। बच्चा बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी सेम प्ले से, किसी भी सेम टॉय से, और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपका बेबी भी यही चीज़ कर रहा है बार बार, उसे वो टॉय नहीं चाहिए, वो खेल नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो बोर हो गया है। तो बच्चे को न्यू गेम्स इंट्रोड्यूस कीजिए, न्यू एक्टिविटीज़ उसके साथ खेलते रहिए ताकि बच्चा बोर ना हो और रोए ना। अगला रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे को सोना है, बच्चे को नींद आ रही है, तो बच्चा जब बहुत ज़्यादा थक जाता है, जब वो सोना चाहता है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे को हम ज़बरदस्ती खेलने के लिए बोले जा रहे हैं या उसके साथ खेल ही रहे हैं और वो रोए जा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि हो सकता है आपका बच्चा सोना चाहता हो। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा सोना चाहता है? अपनी आँखों को वो रब करने लग जाएगा, अपने कानों को वो पुल करने लग जाएगा, ये दोनों चीज़ें कर रहा है तो आपके बच्चे को नींद आ रही है, उसे कोई प्ले नहीं करना, कोई खेलना नहीं है, उसको आराम से बस सुला दीजिए। अगर आपने डायपर नहीं पहना रखा है तो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की नैपी या बच्चे की जहाँ वो लेटा हुआ है वो शीट गीली नहीं हो गई हो, तो इस वजह से भी बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। अगला रीज़न हो सकता है बच्चे के टीदिंग फेज। जब बच्चे का टीदिंग फेज स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं या बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होता है, बच्चे को यहाँ पेन होने लग जाता है और बच्चे को कई बार फीवर भी आ जाता है, तो ये सारी परेशानियों की वजह से भी आपका बेबी रो सकता है। तो ये रीजंस जानिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि बच्चे का टीदिंग फेज स्टार्ट हो गया, आपको क्या करना चाहिए ताकि बच्चे को सोना नहीं है। आपको लगता है कि रात हो गई, अब बच्चे का सोने का टाइम हो गया है बट बच्चा अभी नहीं सोना चाहता है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि आप उसको ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसीलिए बच्चे का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, बच्चे को डे टाइम में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए और नाइट टाइम में बच्चे को सुलाने का रूटीन बनाइए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमने कैसे ये मैनेज किया, तो इसीलिए इस टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो भी लेकर आऊँगी आपके लिए जल्दी ही। अगला रीज़न हो सकता है कि आप, जी हाँ,
आपकी वजह से वो रो रहा है, उसे बस माँ चाहिए, वो आपके पास आना चाहता है, आपको हग करना चाहता है आपके साथ, आप बस चाहता है कि आप उसे गोद में ले लें, तो एक ये रीज़न हो सकता है। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होती है स्पेशली माँ से, तो बच्चा जब माँ उसके पास नहीं होती तो वो अकेला फील करता है, इस वजह से वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो फटाफट अपने बेबी को लीजिए और एक फटाफट एक अच्छी सी हग कीजिए। सो ये सारे रीजंस हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा रीज़न है जो मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के साथ एक्सपीरियंस अलग है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।